अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और ऐसे ही खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है इंटरव्यू। क्या है ये इंटरव्यू? तो जब ये लफ्ज़ सुनता है बंदा थोड़ा सा होता है कंफ्यूज कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, चाइना जा सकूँगा नहीं जा सकूँगा, पास कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं बंदे को थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं। तो मैं आपके साथ आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक दिन पहले गया इस्लामाबाद, उधर जा के मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट थे, एप्लीकेशन फॉर्म हर चीज़ मेरी कंप्लीट थी। फिर मोफा से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाए अपने सारे डॉक्यूमेंट। उधर से अटेस्टेड करवाने के बाद मेडिकल मेरा मुझे मिल गया। तीन फाइलें मैंने रेडी की थी अपनी फाइल की, ठीक है, फाइल्स रेडी की थी कि एमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ सकती है, एक फाइल मैंने एडिशनल रेडी की। तो जब मैं उधर पहुंचा हूँ तो उन्होंने, उस दिन मैं 3 बजे गालबन सोया हूँ रात को, इसी टेंशन में कि आया कि मैं पास करूँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो अगले दिन मैं पहुँचा इंटरव्यू के, इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाई आर यू गोइंग टू चाइना, कि आप चाइना क्यों जाना चाह रहे हैं। मैंने उसे कहा, आई एम गोइंग टू चाइना बिकॉज आई वांट टू स्टडी ओवर देयर। मैं चाइना जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टडी करनी है चाइना। उसने पूछा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट्स द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। मैंने उसे बताया, माय यूनिवर्सिटी नेम इज़ शेनयांग यूनिवर्सिटी, कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो शेनयांग यूनिवर्सिटी है। तीसरा क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, व्हाट्स द कोर्स, कि आपका कोर्स क्या है। मैंने उसे बताया, माय कोर्स इज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, व्हाट्स, वेयर इज़ योर बैंक स्टेटमेंट एंड योर फादर इन मंथली इनकम इज़ मोर देन 50,000 और नॉट। मैंने उससे कहा, दिस इज़ माई बैंक स्टेटमेंट एंड माई फादर्स मंथली इनकम इज़ मोर देन 50,000, कि जो ये मेरी स्टेटमेंट है वो 50,000 मेरे वाले साहब की इनकम है जो सेविंग है मंथली, ठीक है, और ये मेरी स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट। उसने मेरी बैंक स्टेटमेंट देखी, सारा कुछ देखा। तो उसने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाई डिड यू ओनली चूज़ चाइना। तो मैंने उसे कहा कि आई ओनली चूज़ चाइना बिकॉज द सी पैक बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, सो इट्स रैपिडली ग्रोइंग राइट नाउ, सो आई विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, मे बी आई कैन गेट द जॉब ओवर हियर इन पाकिस्तान एंड आई विल सर्व टू माई कंट्री। तो उसको मैंने ये बोला है कि मैं, हो सकता है कि क्योंकि सी पैक की वजह से इकॉनमी जो है ग्रो कर रही है चाइना की पाकिस्तान की, और फ्यूचर में हो कि मुझे इधर अपने मुल्क में ही जॉब मिल जाए तो मैं अपने मुल्क को ही सर्व करूँगा। तो ये क्वेश्चन थे सिंपल से। अब हुआ क्या, लास्ट जो था वो डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट थे, हर चीज़ कंप्लीट थी, मोफा की FSC पे स्टैंप नहीं। अब वो स्टैंप नहीं थी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उससे पूछा, मैंने कहा दिस इज़ नॉट माय फॉल्ट, शी टोल्ड मी यू स्टैंप बाय योरसेल्फ। उसने मुझे कहा कि आप, तुमने खुद ही की है स्टैंप। मैंने कहा नो, व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट, कि तुम ऐसे सोच क्यों रही हो कि मैंने स्टैंप की है। कहती है कि फिर जल्दी जाओ और स्टैंप अपना ना करवा के आओ, यू जस्ट नीड टू गो फास्ट इफ यू वांट टू सबमिट टुडे एंड देन कम हरी अपली एंड देन सबमिट। तो मैं गया हूँ उधर, फिर काफ़ी ज़्यादा भागा हूँ उधर मोफा में, दोबारा स्टेप सिद्ध करवाया है उसको, स्टैंप लगवाई है, आके सबमिट करवाया है, 12 बज गए थे। तो ये मेरी गाइस स्टोरी थी, ऐसे मेरा इंटरव्यू हुआ है, ऐसे सब कुछ किया है। तो ईजी स्टेप था, पहला था
इंटरव्यू इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज था। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है, इजी हो के जाएँ। मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी दूंगा, उनके आंसर भी दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चले जी, अल्लाह खैर करे, सर्दी बहुत है, तो मिलते हैं अगली वीडियो।